पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती के मुद्दे पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनके आरोपों पर दुख जताया था। अब उस चिट्ठी का ममता बनर्जी ने तीखा जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने रक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि सवाल सेना पर नहीं बल्कि सरकार की मंशा पर उठाए गए थे। ममता ने लिखा है कि रक्षा मंत्री सेना को राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घटना से हमारी सेना के मनोबल पर असर पड़ रहा है। टोल प्लाजा के डाटा NHAI और दूसरी एजेंसियों के पास उपलब्ध हैं और इस तरह की एक्सरसाइज चली जा सकती थी। मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में सेना का ऐसा बेजा इस्तेमाल नहीं देखा है। आपकी सरकार ने कोलकाता पुलिस की बात भी नहीं सुनी। इससे पहले भी हमने पूरा सहयोग किया है, लेकिन इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से ऐसा फैसला लिया। किसी राज्य के CM के खिलाफ तकरीबन अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। इससे पहले कल मनोहर पर्रिकर ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आपने जो सवाल उठाए थे आर्मी डिप्लॉयमेंट को लेकर, वह ठीक नहीं है। आर्मी को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, यह एक रूटीन एक्सरसाइज थी। पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में इस मुद्दे पर कब तक बहस होती रहेगी, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए DB Live।